शिकल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को, मेरे सारे व्यूवर्स को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 78 इंडिपेंडेंस डे हमारे देश में बहुत धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन ठीक इसी दिन कहीं खुशी है तो कहीं गम। खुशियों के इस जश्न को आंसुओं में डुबोने के लिए हो रही है बहुत खतरनाक तैयारी, जिसके बारे में आज मैं अपने वीडियो में बतलाने जा रही हूँ। लेकिन इंडिपेंडेंस डे की खुशी जो हर साल मनाई जाती है, वास्तव में क्या लोग आज़ाद हुए हमारे देश के? नहीं, अभी भी लोग नैरो माइंडेड हैं। अभी भी लोग जाति और धर्म के नाम पर एक दूसरे पर केवल और केवल कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं, जिसका फ़ायदा अन्य देशों के लोग न सिर्फ उठा रहे हैं बल्कि चाइना और पाकिस्तान हमारे देश को बर्बाद करने के लिए बहुत खतरनाक प्लानिंग करके तैयार बैठे हैं कि कब मौका मिले और कब हमारे देश पर वो हमला बोलें। लेकिन हमारा देश भी पीछे नहीं है। हमारे देश ने भी अब ठान लिया है आर या पार की लड़ाई करनी ही होगी। एक तरफ जहां आज़ादी के जश्न में पूरा देश डूबा हुआ है, वहीं हमारे देश की सेना सीमा पर सुरक्षा में तैनात है। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादियों का घुसपैठ हो चुका है, जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, यानी आतंकवाद की जड़ें हमारे देश में बहुत गहरे बैठ गई हैं। और आने वाले समय में मानव बम के द्वारा, जी हाँ, मानव बम के द्वारा इस आतंकवाद को बहुत खतरनाक तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है और लोगों की खुशियों को चीखों में बदला जा सकता है। जी हाँ, डेथ के लिए तैयार किए गए हैं वो मानव बम जो आज़ादी के दिन या उसके बाद कभी भी मचा सकते हैं, वो तहलका जिसके लिए पाकिस्तान ने वो तैयारी कर दी है जिसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। मानव बम पहले भी बाहर के देशों में फट चुका है, लेकिन उसी मानव बम की एंट्री अब हमारे देश में भी हो चुकी है। बॉर्डर पर सेना पूरी तरह तैनात है, लेकिन फिर भी जो भारतवर्ष और नेपाल का बॉर्डर है, वहाँ कहीं ना कहीं हल्की सी चूक भी इन आतंकवादियों को घुसपैठ करने में बहुत बड़ा रोल निभाने के लिए दे देती है एक मौका। जिस प्रकार की सीमा हैदर आप लोगों को याद होगा, इसी प्रकार इसी बॉर्डर से उसने हमारे देश में एंट्री ले ली, छिपते छिपाते वो पहुंच गई हमारे देश में और आज बड़ी शान से रह रही है। तो ऐसे ही लोग इसी तरह के बॉर्डर से पार होकर हमारे देश में आते हैं। मानव बम तैयार हो चुका है। किस सोर्स से मैं ये बता रही हूँ? हमारे देश की जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, उन्होंने ये टेरर अलर्ट दिया है, मल्टी टेरर अलर्ट, यानी कहीं पर भी किसी भी तरह से ये आतंकवादी जो मानव बम की तैयारी कर रहे हैं और कर भी चुके हैं, वो कहीं पर भी मचा सकते हैं मृत्यु का वो कोहराम जिसके लिए शायद कोई कल्पना भी नहीं कर पा रहा होगा कि कितना खतरनाक प्लान इन लोगों का है। पाकिस्तान की जो संगठन है, जो आतंकवाद के संगठन है तीनों, जैश ए लश्कर ए तैबा, जैश ए मोहम्मद और ISI, इन तीनों ने मिलकर मानव बम को हमारे देश में तैनात कर दिया गया है। लेकिन हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां जो कंटिन्यूसली अलर्ट मोड पे हैं, लोगों को भी अलर्ट दे रही हैं कि भीड़ भाड़ की जगहों पर जाकर बचें, बस अब हमारे देश में कोहराम मचाने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। लेकिन हमारा देश भी पीछे रहने वाला नहीं है। अमेरिका से बहुत ही ताकतवर एक मिसाइल खरीदने के लिए जा रहा है, जिसकी ताकत बहुत ज़्यादा होगी
और आने वाले समय में यदि युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा तो भारतवर्ष भी कमज़ोर ना पड़े, न कभी था न कभी है और ना ही कभी रहेगा। तो बाकी देश खुफिया तौर पर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारा देश खुलेआम सीना तान कर दुश्मनों को नाको चने चबाने के लिए, उन्हें पीछे भगाने के लिए अपनी तैयारी कर रहा है। लेकिन आज ही के दिन कहीं खुशी कहीं गम, एक तरफ आज़ादी के हम लोग 78th ईयर्स में प्रवेश कर गए, जश्न हर कोई आज तिरंगा हमारी शान हमारी पहचान लहरा रहा है, लेकिन उनका ये जज्बा कहीं ना कहीं दुख से भरा हो जाता है। कारण क्या होता है कि हमारे देश में ऐसे भी शहीद उन्हें आज याद करना चाहिए जो बॉर्डर पर देते देते सुरक्षा अपनी जान गंवा रहे हैं, इन आतंकवादियों का निशाना बन जा रहे हैं। और इसलिए क्या हो रहा है कि हमारे देश में सब कुछ होते हुए भी प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि भले ही कितने भी अलर्ट सब लोग क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चूक हो जा रही है कि आतंकवादी हमारे सेना को निशाना बना दे रहे हैं। तो उन शहीदों के घर में आज दिया बुझ चुका है, उनके घरों का चिराग आज बुझ गया है। इसलिए मैंने कहा कहीं खुशी कहीं गम, कहीं पर मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, झंडे फहराए जा रहे हैं, झंडे लगाए जा रहे हैं, सैल्यूट किया जा रहा है, देशभक्ति के गीत गाए जा रहे हैं, और कहीं पर सोचिए जी 14 अगस्त को जो कैप्टन शहीद हुए जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले में मुठभेड़ में, उनके घर में कितना बड़ा शोक का समय ये चल रहा है। लेकिन फिर भी हमारे देश के शहीदों को आज नमन करने का दिन है, श्रद्धांजलि देने का दिन है, उनके कार्यों को याद करने का दिन है, उन्होंने जो सैक्रिफाइस किया देश की सुरक्षा के लिए उसे नमन करते हुए हर कोई ये कहे कि बस हमारे शहीद हमेशा हमेशा के लिए चिरंजीव बने, अमर रहें, हमारे शहीद जो हैं वो फिर से लौट कर एक बार आएं हमारे देश की धरती पर, ताकि हमारा देश फिर से एक बार दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आन बान शान के साथ नई ऊर्जा के साथ खड़ा रहें, कभी भी हमारे देश का तिरंगा झुकने ना पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।